हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, आज की जो वीडियो है वो पार्ट 5 होने वाली है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करने की सीरीज में 4 पार्ट सक्सेसफुली अपलोड कर चुका हूँ मैं। आज का जो पार्ट है वो 5 नंबर का पार्ट है, 5th पार्ट है, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार्स एज वेल एज इवनिंग स्टार के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आज से पहले जो 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेंगी डोजी का पैटर्न कैसे आप रीड कर सकते हो, बेसिक कैसे रीड देख सकते हो कैंडलस्टिक्स के, एंड आप हैमर को कैसे रीड कर सकते हो और आप शूटिंग स्टार को कैसे रीड कर सकते हो। पैटर्न्स क्या होते हैं, जहां पे आपको ट्रेंड जो है चेंज होते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो ये पैटर्न्स रीड करना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहते हो कि आपको एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अगर आप सीखना चाहते हो फॉरेक्स को, तो आपके लिए वीडियोस की जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पैनरी और फॉरेक्स मार्केट को रीड करना चाहते हो। तो गाइज, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टेक्निकल अभी फैमिली, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे और ज्वाइन हो जाना है। बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स मैं वहाँ पे सबसे पहले देता हूँ, उसके बाद आती है यूट्यूब पे। और अगर आपको ये नहीं सर्च होता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नॉन फॉरेक्स मॉर्निंग स्टार की। तो सबसे पहले मुझे कुछ कन्फ्यूजन वाली कमेंट्स मिली थी, यानी कुछ लोग कन्फ्यूज थे अबाउट कैंडल्स के कलर्स को लेके, तो उनका कन्फ्यूजन सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। आपको पता है सारी कमेंट्स जो है मैं रीड जरूर करता हूँ आप लोगों की, तो कमेंट्स करते रहा करो यार। जितनी ज़्यादा कमेंट करोगे उतनी ज़्यादा आपके क्वेश्चन के आंसर बाकी सब भी देख के सॉल्व मतलब सोचेंगे कि 1900 लगभग लोगों की जो क्वेरीज हैं वो एक जैसी रहती हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आप लोगों की कमेंट्स। देखो, ब्लैक कलर की कैंडल है, यहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फॉरेक्स में देखे जाए तो हमारे पास 2 पैटर्न की कैंडल बनती है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ब्लैक का मतलब होता है बाइनरी में रेड कलर की कैंडल, और वाइट कलर की कैंडल है इसको हम लेंगे ग्रीन कलर की कैंडल, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कैंडलस्टिक पैटर्न को सेलेक्ट करने का, जहां पे अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सेलेक्ट करते तो वहां पे हमारे पास सिर्फ 2 कलर की कैंडल मिलती है, एक रेड एंड एक ग्रीन। तो रेड का मतलब हो गया ये ब्लैक कलर की कैंडल, एंड ग्रीन का मतलब हो गया ये वाइट कलर की कैंडल। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही अगर डाउनवर्ड ट्रेंड जो है आपका चल रहा होगा, तो फर्स्ट कैंडल आपको जैसे ही रेड कलर की मिलती है यानी ब्लैक कलर की मिलती है, तो उसके बाद सेकेंड आपको मिलती है ब्लैक एंड वाइट, किसी भी कलर की हो सकती है, डजेंट मैटर, एंड थर्ड आपको वाइट की मिलती है। तो ये पैटर्न आपको जैसे ही मिलता है करना क्या है, ये पैटर्न जैसे ही मिला आपका ट्रेंड हो जाएगा चेंज, यानी डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद इस तीसरी कैंडल के बाद आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत हेल्पफुल हो गया आप लोगों के लिए अगर आप ट्रेड लेते हो। तो अब बात करते हैं फॉरेक्स मॉर्निंग स्टार की। तो ये फॉरेक्स के लिए जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसमें जो फर्स्ट कैंडल है उसमें आपको क्या था कि देखिए, ये वाली कैंडल तो आपको बिल्कुल सेम वही मिलेगी, रेड या ब्लैक, और ये जो कैंडल है यहाँ पे पिछली बार आपको वाइट मिली थी, बट दिस टाइम ये डोजी मिलेगी आपको, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये मिलने वाली है ब्लैक कलर की। तो गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड जाता है तो यहां पे ये जो कैंडल्स हैं, ये पैटर्न्स देखने के बाद आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मॉर्निंग स्टार कैसे कंफर्म करता है सपोर्ट लेवल को, तो देखो जैसे ही आपको ये पैटर्न मिलता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हमने पीपीटी में आपने देखा होगा सेम कलर का सेम पैटर्न आपको जब मिलता है तो करना क्या है। देखिए, डाउनवर्ड ट्रेंड था बट अपवर्ड ट्रेंड मिल गया आपको, डाउनवर्ड ट्रेंड था बट अब का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड मिल गया। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेक्स में ट्रेड लेते होंगे, ठीक है, और उन लोगों को समझ नहीं आता होगा कैसे रीड करें कैंडलस्टिक्स को, तुक्के में ट्रेड लेते हैं। भाई, तुक्के में ट्रेड मत लिया करो, बहुत कैलकुलेशंस लगती हैं। हमेशा से कहता हूँ, ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस, इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अब हम जाते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे नॉन फॉरेक्स इवनिंग स्टार को। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, आपको पॉज करके वहाँ पे देख लेना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती इन बिटवीन द वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके रुक के देख सकते हो पॉज करके। और एक और चीज़ यार, वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना तो वेलकम है हमारी फैमिली के अंदर, टेक्निकल अभी फैमिली के साथ आप जुड़ चुके हो। वीडियोज़ को लाइक किया करो यार, अभी भी इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने इतनी देखी है, क्योंकि आपको पता है यार मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, और ज़रूरत नहीं है वीडियोज़ बनाने की, बट आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का अप्रिसिएशन भी मिलता है, प्यार मिलता है, और इतना प्यार मिलता है कि रुकने का मन नहीं कर रहा, इतना चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वीडियोस आपके लिए लेके आने का मन हमेशा करता रहता है। और इसी के लिए एक अप्रिसिएशन दिया करो यार, लाइक्स दिया करो वीडियो को, कमेंट्स किया करो, ताकि रैंकिंग इंक्रीज हो वीडियोज़ की और काफ़ी लोगों तक वीडियोज़ पहुँचे। जो लोग यहाँ पर पैसा हार चुके हैं या हारने वाले, उन लोगों को समझ आए चीज़ों को कि यहाँ से पैसा हारो मत भैया, आप कमाओ मत यहाँ से पैसा, लेकिन हारो भी मत। अब बात करेंगे नॉन फॉरेक्स इवनिंग स्टार की। तो यहाँ पे भी सेम है,
लेकिन यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर आपका ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पैटर्न दिखने के बाद आपका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, पहली बॉडी आपको ग्रीन कलर की मिलेगी यानी व्हाइट कलर की, उसके बाद आपको ब्लैक और व्हाइट की दोनों की मिल सकती है, बट कोई पैटर्न नहीं है, डोजी भी नहीं है यहाँ पे, हैमर भी नहीं है और शूटिंग स्टार भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे आप तो ये आपको एक ब्लैक कलर का मिलेगा यानी कि रेड कलर का मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं फॉरेक्स की बात कर लेते हैं तो जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे आपको एक डोजी देखने को मिलेगी। यानी आप सिंपल सी बात की याद रख लीजिएगा, जब आप बाइनरी में ट्रेड लोगे और ये सेम पैटर्न आपको दिख जाता है तो आपको क्या करना है, अगर डोजी दिखता है, डोजी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेक्स में मिलेगा, बाइनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन पैटर्न सेम ही है, काम दोनों के सेम ही है। देखिए इवनिंग स्टार की बात करते हैं तो इवनिंग स्टार किस तरीके से काम करता है, देखो ये पैटर्न अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सेम पैटर्न अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड था, बट ये पैटर्न मिलते ही डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जिससे कि साफ पता लग रहा है भैया कमाल का सिनेरियो है यार, मज़ेदार स्टडी है कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी। अगर आप इसकी पूरी बिहाइंड स्टडी स्ट्रेटजी पे जाओ, स्टडी पे जाओ, तो यार भैया मज़ा आ जाता है, मतलब इतना मन करता है इन सारी चीज़ों को पढ़ने का, समझने का। और ये धीरे धीरे और बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा, आपको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट वीडियोज़ को फॉलो करो, लेसन्स को फॉलो करो और चैनल के साथ अपडेटेड रहो, बस इतना बहुत है। सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक चैनल को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब देखो इवनिंग स्टार का एक और पैटर्न मैं दिखा देता हूँ, देखिए अपवर्ड ट्रेंड है, कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखती है एक पैटर्न। देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर देखो ये वाला आपको फॉल्स इंडिकेशन मिला है, ठीक है, फॉल्स इंडिकेशन मिला है। तो हमने देखो अब पीछे आते हैं, मैं आपको पीछे अच्छे से समझाता हूँ। देखिए हमारा क्या था कि हमें एक मिलेगा कैंडल ग्रीन कलर का, देन छोटा ग्रीन कलर का, देन उसके बाद रेड कलर का, उसके बाद हमें ट्रेंड चेंज करना है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चेंज करने का पैटर्न, मतलब हमारा जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है टोटली। हाँ हालांकि काफ़ी हद तक मैच करता है, काफ़ी हद तक मैच किया, बट इसके पिछले का ट्रेंड देखेंगे तो टोटली अपवर्ड ट्रेंड नहीं था, तो यहाँ से इसको अनवैलिड कर देते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो चाहे कोई भी प्रिडिक्शन हो, 90% तक आपके मैक्सिमम वर्क करेंगे, इससे ज़्यादा वर्क नहीं करते। अब देखो यहाँ पे देखो ये ट्रेंड जो है वर्क कर गया, अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके चला गया इवनिंग स्टार। तो भैया वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक करके अप्रिसिएशन ज़रूर देना, कमेंट्स के जो भी आपके डाउट होते हैं कमेंट में ज़रूर पूछा करो, आंसर मैं ज़रूर करूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए होंगे, लाइक आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब चैनल में बिल्कुल नए होंगे तो कर ही दिया होगा। मुलाकात करेंगे नई वीडियो में, और क्या क्या चाहिए आपको, किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताया करो। चलिए गाइज थैंक यू फॉर द वीडियो, अगर अभी तक देखा तो थैंक यू सो मच, और आगे वाली वीडियोज़ में धमाकेदार कंटेंट के साथ मुलाकात करते हैं।